मेकअप वैनिटी बना रहे हो लेकिन बजट का प्रॉब्लम है, और बजट का प्रॉब्लम है इसलिए आपकी पूरी मेकअप की किट भी रेडी नहीं हो रही है, देन डोंट वरी गाइज, आई हैव मनी सेविंग हैक्स फॉर यू गाइज दैट. सो नंबर वन हैक इज चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. जब आप फाउंडेशंस लेते हो, आई शेडोज लेते हो, जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करने वाली चीजें हैं आपकी मेकअप किट में, वो आप अच्छी क्वालिटी के लीजिए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, आपकी स्किन को भी हार्म नहीं करेगी, एंड दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स. एंड द सेकेंड हैक इज 50-50. तो इसका मतलब है हमें हमारी किट में 50% हाई एंड में जाना है एंड 50% हमें इकोनॉमिक रेंज में जाना है. ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी किट हाई एंड प्रोडक्ट से ही भर देनी है. अगर आपका बजट नहीं है तो आप लोग इकोनॉमिक रेंज में यूज़ कर सकते हो. सो इकोनॉमिक रेंज में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन सेव अवर मनी. हम लोग इकोनॉमिक रेंज के लाइनर्स ले सकते हैं, मस्काराज ले सकते हैं, फिर लिपस्टिक्स ले सकते हैं, हमारे जो पेंसिल्स होते हैं, काजल्स होते हैं, कलरफुल पेंसिल्स होते हैं, लिप लाइनर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें हाई एंड लेने की ज़रूरत नहीं है. हम लोगों को इकोनॉमिक रेंज में लेना है सो दैट वी कैन सेव आवर मनी. एंड द थर्ड हैक इज़ ट्राई टू बाय मल्टीपल यूज़ वाले प्रोडक्ट्स. जैसे कि अभी हमारा कंसीलर पैलेट हो गया, जिस पैलेट में क्रीम ब्लश भी मिल जाएगा आपको, हाईलाइटिंग भी मिल जाएगा, या फिर कोई कोई कंसीलर पैलेट्स में तो हमें फाउंडेशन के शेड्स भी दिख जाते हैं, कंसीलर के दिख जाते हैं, हाईलाइटिंग के, ब्लशेस के. सो आप ऐसे वाला एक ही पैलेट ले लो जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाए. सो ऐसे ट्राई टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल यूज प्रोडक्ट्स, सो उसमें भी आपका पैसा बहुत ज़्यादा बच सकता है. हैक नंबर फोर्थ इज़ बाय इन बल्क. सो जैसे कि अभी कॉटन्स हो गए, टिश्यू पेपर्स हो गया, या फिर हमारी मेकअप की किट में जो बार बार चीज़ें हम लोग खरीद रहे हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारी मेकअप की किट में कौन सी चीज़ें जल्दी से ख़त्म हो रही है, क्लिंजर हो गया, टोनर हो गया, कुछ भी जो चीज़ें आप बार बार यूज़ कर रहे हो, रोज़ बहुत सारा यूज़ हो रहा है उसका और जल्दी से ख़त्म भी हो रहा है ना, तो वैसे वाले प्रोडक्ट्स ना आपको बल्क में ख़रीदने हैं. जब कोई भी सेल चल रहा हो नायका पे, अमेजोन पे, कहीं से भी जहाँ पे आप खरीद रहे हो वहाँ पे सेल चल रहा है तो बाय इन बल्क, या फिर कोई डीलर है जो आपको, अगर आप बल्क में ले रहे हो तो आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो बाय इन बल्क, तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारा हमारा पैसा सेव कर सकते हैं. सो आई होप आप लोगों को ये सारे हैक्स अच्छे लगे होंगे एंड डू फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज़. बाय बाय.